हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। जैसा कि टैली की पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि हम परचेज करते हैं कैश परचेज तो उसका क्या प्रोसेस है, और अगर क्रेडिट परचेज करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैश सेल। हम कैश सेल करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम। इसके लिए सेल्स वाउचर में जाएंगे। सेल्स वाउचर आपका F8 पे है, F8 प्रेस करेंगे, सेल्स वाउचर में आके रेफरेंस नंबर डाल देंगे हम, रेफरेंस नंबर REF/001, इंटर। अब यहाँ पार्टी बना लेंगे, ऑल्ट सी करके पार्टी बना लेते हैं, मिस्टर सी। ये हमारे डेटर हो जाएंगे, संडी डेटर, और इंटर। ठीक है, यहाँ पे सेल्स का लेजर बन जाएगा SALES, जो अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। ठीक है, अब देखिए नेम ऑफ आइटम में, अब आप सेल कर रहे हैं तो आपके पास पहले से कुछ स्टॉक आइटम होने चाहिए। स्पेस बार प्रेस करेंगे, देखिए हमारे पास ये 4 स्टॉक आइटम पहले से हैं। इसके लिए आप लोग इन्वेंट्री इन्फो में जाके स्टॉक आइटम में जाके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बेच देते हैं कंप्यूटर, 50 पीस था, हम 30 पीस बेच दे रहे हैं। रेट हमने क्या डाला, रेट में हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे 25,000 का। फिर टेलीविजन भी 30 पीस बेच दे रहे हैं, इसको डाल दे रहे हैं हम 35,000 का। स्पीकर बेच दे रहे हैं 20 पीस, इसको बेच दे रहे हैं 2700 में। और माउस 10 पीस, इसको बेच दे रहे हैं 1400 में, लॉस पे। चलिए ठीक है, इतना करने के बाद इंटर यहां पे लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सी, कि मिस्टर सी को हमने गुड्स बेच दिया। ठीक है, अब ये गुड्स आपके सोल्ड हो गए। ठीक, अगर अब कोई दिक्कत आती है, मिस्टर सी वापस करना चाहते हैं, तो आप इसकी एंट्री किसमें करेंगे, क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट एक्टिव करने के लिए हमें F11 प्रेस करना होगा। ठीक है, और F11 प्रेस करने के बाद F1 अकाउंटिंग इन्फो में जाके ये देखिए, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको यस कर देंगे और कंट्रोल A से सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल F8 पे क्रेडिट नोट है, तो हम कंट्रोल F8 से क्रेडिट नोट पे चले जाएंगे। आ गए, इनवॉइस नंबर पूछेगा तो आप डाल देंगे इनवॉइस नंबर। ठीक है, पार्टी मिस्टर सी, और यहाँ पे अब वापस आ रहा है तो सेल्स का लेजर नहीं बनेगा, बनेगा क्या, सेल्स रिटर्न, SALES RETURN, ये जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में ही। ठीक है, अब जो जो बेचे थे वो वापस आ जा रहा है, अब कितना पीस आ रहा है वो देखते हैं। जैसे कंप्यूटर 20 पीस बेचे थे, मान लीजिए 5 पीस वापस आ गया। टेलीविजन भी 20 पीस बेचे थे, ये आ गया 2 पीस वापस। माउस आ गया 5 पीस वापस। और स्पीकर आ गया 3 पीस वापस। इतना वापस आ गया हमारे पास, तो यहां लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाई मिस्टर सी, इंटर। ठीक है, अब स्टॉक समरी देख लेते हैं एक बार। देखिए हमारे पास सब 50-50 था, उसमें से बेच दिए तो जो वापस आया वो भी ऐड हो गया इसमें, इंटर। देखिए टोटल 50 पीस था, 30 गया और 5 वापस आ गया, तो 30 जब गया तो 20 बचा हमारे पास, तो 5 वापस, तो 25 हो गया। ठीक है, इसी तरह स्टॉक समरी में जाके आप लोग देख सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमें पेमेंट नहीं करना है, परचेज में पेमेंट था, इसमें क्या होगा, रिसिप्ट होगा, हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो रिसिप्ट आपका है F6 पे, F6 प्रेस करेंगे, हमें कैश मान लीजिए मिल रहा है। ठीक है, कैश किससे मिलेगा, मिस्टर सी से।
अब कितना पूरा मिल जा रहा है, 1657900। ठीक है, देखिए आपका कैश उतनेस बढ़ गया, इंटर। अब यहां लिख देंगे बींग पेमेंट रिसीव्ड, बींग पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है, बींग पेमेंट रिसीव्ड, इंटर इंटर। तो यही तीन एंट्री हमारी सेल्स में होगी। आइए डिस्प्ले डे बुक में आके एंट्री देख लेते हैं। पहली क्या, पहला हमने सेल किया, ठीक है, 1,868,000 का। फिर हमारे पास वापस सामान आ गया कितना, 2,10,100 का। तो फिर हमें बचा कितना मिलने के लिए पेमेंट, 16,57,900, ठीक है, 16,57,900। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैश सेल। अगर होगा तो क्या क्या एंट्री होगी, कैसे कैसे उसको ट्रीट करेंगे। सेल करने के लिए सबसे पहले स्टॉक आइटम बना लेंगे अपने पास। आपके पास जब कुछ स्टॉक रहेगा तभी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपको किसी भी वीडियो में हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या लिंक में हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।